हेलो दोस्तों, मैं हूं जावेद। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एसटीसी पे से वेस्टर्न यूनियन में पैसा भेजें किसी भी देश में, वो भी घर बैठे, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दिखाते हैं वेस्टर्न यूनियन में पैसा कैसे भेजना है। पहले आपको अपना एसटीसी पे ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में पासकोड डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। ट्रांसफ़र करने से पहले आपको अपने एसटीसी पे वॉलेट में पैसा ऐड करना है। पैसा कैसे ऐड करना है, अगर आपको नहीं मालूम पैसा कैसे ऐड करना है तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, तो इस पर क्लिक कर दें। अब आपने जो वेस्टर्न यूनियन की बेनिफिशरी ऐड की हुई है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए किस नाम पर आपको भेजना है। एक बार बेनिफिशरी का सारा डिटेल चेक कर लीजिए, अगर सब कुछ सही है तो यहाँ ट्रांसफ़र मनी टू पर क्लिक कर दें। अब आपको अपने मुल्क का कितना पैसा भेजना है वो यहाँ पे इंटर कर दें। जैसे कि हमें सऊदी का भेजना है तो मैं यहाँ पे 550 रियाल लिख देता हूँ। अब इंडिया का 10,718 रियाल, अब इंडिया का 10,718 रुपये और 44 पैसा बनेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ फैमिली सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट पर क्लिक करके इसको फैमिली सपोर्ट पर ही क्लिक कर दें। अगर फ़ीस आपको इसी पैसे में से कटवानी है, ट्रांसफ़र फ़ीस अगर आपको इसी पैसे में से कटवानी है तो इसको ऑन कर दें। अगर नहीं कटवाना है, अगर आपको अलग से देना है तो इसको ऑफ रहने दें। अब यहाँ पर लिखा हैव ए प्रोमो कोड, अगर आपके पास प्रोमो कोड है तो डाल दें। चलिए मैं अपना डाल देता हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैं अपना यहाँ पे प्रोमो कोड डाल दिया हूँ 9B3SB6, आपको यहाँ प्रोमो कोड सही से डालना है। फिर यहाँ पे लिखा अग्री टू टर्म इज कंडीशन, यहाँ पे टिक कर देना है। और यहाँ पर लिखा हुआ कंटिन्यू, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको एक बार सब कुछ चेक कर लेना है। टोटल अमाउंट 550 रियाल, एसटीसी पे अकाउंट में आपके कितने पैसा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे किसके नाम पर भेज रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, यहाँ कंट्री दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ कलेक्शन पॉइंट वेस्टर्न यूनियन कैश पिकअप, और यहाँ कितना का रेट चल रहा है वो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अमाउंट कितना आप भेज रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, कंट्री का कितना बन रहा है वो दिखाई देगा, और यहाँ पर कितना टैक्स लग रहा है वो दिखाई देगा, 2.25 रियाल वाला टैक्स लग रहा है वो दिखाई देगा, और यहाँ पे ट्रांसफ़र फ़ीस कितनी लग रही है वो दिखाई देगी, 15 रियाल ट्रांसफ़र फ़ीस लग रही है। अब कंफर्म पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर दें। अब देख सकते हैं हमारे मोबाइल पर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र का मैसेज भी आ चुका है। हमने जिसके नाम से भेजा उसका नाम दिखाई दे रहा है, जितना अमाउंट भेजा उतना अमाउंट दिखाई दे रहा है, MTCN नंबर भी दिखाई दे रहा है। अगर आपको शेयर ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करनी है तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो डन पर क्लिक कर दें। चलिए मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से माई ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर दें। देख सकते हैं मैंने अभी पैसा भेजा है और अभी पहुँच गया। अब यहाँ से जिसके नाम से सामने क्लिक कर दें। अब यहाँ पर जिसके नाम से पैसा आप भेजें उसका नाम दिखाई देगा, कितना पैसे आप भेजें वो दिखाई देगा, कितना पैसा उसके देश में पहुंचा वो दिखाई देगा, एक्सचेंज रेट दिखाई देगा, MTCN नंबर भी दिखाई देगा। ये MTCN नंबर आप उसको बता दें, वो वहाँ पर पैसा निकाल सकता है। ट्रांसफ़र फ़ीस दिखाई देगी, कितना टैक्स लगा वो दिखाई देगा, टोटल अमाउंट कितना वो दिखाई देगा, किसके नाम से भेजें वो दिखाई देगा, रिसीवर कंट्री इंडिया दिखाई देगा, कलेक्शन पॉइंट कैश पिकअप वेस्टर्न यूनियन दिखाई देगा। अब यहाँ से आप रिसीव भी उसको भेज सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।